तस्वीरें मोतिहारी के चकिया अनुमंडल के नरहर पकड़ी के चकबरा पंचायत के मुटियार टोला की हैं, जहां आप देख सकते हैं लगभग 50 घर अब भी टापू में तब्दील हैं। लोग हलकान हैं व लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कौन कहे, कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने तक नहीं आया। टोले के टापू में तब्दील होने की कहानी इनके लिए नई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ का पानी इस टोले में आता है। बाढ़ चली जाती है लेकिन अपनी निशानी यहीं छोड़ जाती है, क्योंकि यहां सरकारी मुलाजिमों की कर्तव्यहीनता व राजनीतिक उपेक्षा के कारण पानी की निकासी की यहां कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसके कारण आज इन लोगों की यह दुर्दशा है। आलम यह है कि अब भी 75 से अधिक परिवार ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए व खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। क्या मामला है, जगह कौन है, क्या मामला है, बाढ़ की स्थिति के लोग लेकर के गांव है और बगल में बूढ़ी गंडक नदी है। नदी का जल बढ़ने से हमारे मटियार पर नरहर पकड़ी का टोला है मटियार पर, जिसमें लगभग 50 घर चारों तरफ से पानी में घिर गया है, निकलने का कोई साधन नहीं है। टूटा फाटा छोटा मोटा घर है जिसमें पानी घुस गया, उसमें रहना काफ़ी परेशानी हो रहा है उन लोगों को। प्रशासन के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला, अभी तक लोग तबात्रा ही मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ के आस पड़ोस के जो तंबू गिरा करके लोग रहे हुए हैं, नरहर पकड़ी का एक और टोला इधर दुबानहा बोलते हैं, इसमें लगभग 70 से 80 घर जो नदी के पानी में ही घिरा हुआ है। इन लोगों को निकलने का साधन नहीं था तो अपना बाल बच्चा लेकर के बांध पर शरण लिए हुए हैं। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिला। अच्छा, ग्रामीणों के द्वारा कोई सरकारी व्यवस्था वहाँ पर ब्लॉक में जो भी व्यवस्था किया गया है सब ग्रामीण लोगों के द्वारा अपने स्तर से करके लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये तो हर साल आता होगा बाढ़ है, लेकिन हर साल बाढ़ आता है और किसी साल साल में दो बार भी आ जाता है। अभी पहला बार है और इतना ज्यादा पानी बढ़ गया जिससे अभी तक सब लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, सब लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला। जो बारिश का पानी इतना ज्यादा हो गया, जो पानी निकलने का जगह नहीं है, जिसमें खरीद फसल लोग लगाए थे, धान लगाए थे, सब धान उसी में डूब गया। पानी ऊपर से है, लोग त्राही माम है, हम क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। लोग तड़प रहे हैं, हमको लगता है आने वाले दिन में सभी लोगों को खाने पर आफत हो जाएगा। कितने घर, कितने गांव और कितने लोग प्रभावित है इस बार? गांव में इस तरफ लगभग 700 के आसपास घर है। नदी के किनारे अभी जो बता रहे हैं, नदी के किनारे इस तरफ अभी एक तरफ जहां 50 घर है और दूसरे तरफ 70 से 80 घर है, इस तरफ जो दुबहाना में फंसा हुआ है। जिस नदी की बात अभी कर रहे हैं बीचों बीच, उस वहां पर कितने लोग और कितने घर वहां पर फंसे हुए हैं? वहां पर 50 घर में लगभग 200 लोग होंगे जो नदी के बीच में है। R9 भारत के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट चकिया से। शौच मुक्त भारत जो 3 साल पहले देश के पीएम ने कहा था, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, वो भी दरभंगा के टेक्टर रेलवे स्टेशन पर। यात्रियों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे स्टेशन का अगर यह है हालत, तो इससे सीधा समझ में आता है कि ग्रामीणों में भी अभी कितने ऐसे स्टेशन है जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो फिर केंद्र सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 साल पहले कैसे कह दिए कि भारत शौच मुक्त हो चुका है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन का यह हाल है तो यहां पर यात्री मजबूर है खुले में शौच जाने को। तो या तो देश के प्रधानमंत्री जो घोषणा करते हैं वह जमीनी स्तर पर उतरकर जमीनी स्तर हकीकत को बिना जाने, नहीं तो उनकी घोषणाओं का जो पदाधिकारी होते हैं वे मानने को तैयार नहीं है। जबकि एक महीना पूर्व ब्लॉक की स्वच्छता कर्मचारी ने आकर के फोटो खींच करके ब्लॉक में पदाधिकारी के पास जमा करवाया, उसके बाद भी अभी तक निर्माण शौचालय का क्यों नहीं हुआ, यह जानने के लिए, क्योंकि ब्लॉक के स्टेशन केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, इसके बावजूद ब्लॉक के स्टाफ द्वारा स्टेशन के शौचालय का फोटो खींच कर लेके गए, क्यों लेके गए, इसके लिए हमने ब्लॉक के पदाधिकारी से बात की और वह भी हम आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ गांव के जो मुखिया हैं उनसे भी हमने इस पर बात किया, तो वो भी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी सजाने के लिए क्या किया था और ब्लॉक से आपको भी संपर्क किया गया, क्या मामला हुआ जिस सजाने नहीं बनाया? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आके यहाँ सर्वे किए हैं और सही जानकारी उपलब्ध किए हैं। यहाँ बात वृद्धि के लिए शौचालय निर्माण होना था रेलवे के निकट, लेकिन रेलवे के निकट बिहार सरकार की कोई जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लास्ट में रेलवे प्रशासन से रेलवे जमीन का एनओसी मांगा गया कि एनओसी दे दीजिए ताकि शौचालय निर्माण करा दिया जाए, ताकि बाढ़ के समस्या समय के बाढ़ पीड़ितों को लाभ उठा सके। लेकिन रेलवे प्रशासन एनओसी देने से इनकार कर दिया कि हम एनओसी नहीं दे सकते। रेलवे प्रशासन द्वारा एनओसी देने से इनकार कर दिया गया,
प्रबंध बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है, इसीलिए हमें नहीं लगता कि शौचालय का निर्माण हो सकता। बाढ़ के समय जो लोगों को समस्या होगी, या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भारत शौच मुक्त हो गया, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस समय गाछी भी नहीं रहेगा। जी जी, फिर ऊंचे स्थान को हम लोग चयनित करके मधुपुर में, सुरौली में और टेक्टान दूसरी जगह का स्थान दिए हैं, आप देखिए वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ निर्माण कराया जाएगा, ताकि शौचालय शौचालय निर्माण होने के बाद पार्षदों को लाभ मिल सके। कौन पंचायत है ये? टेक्टार पंचायत। आप अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी, मेरी माँ यहाँ के मुखिया है, ग्राम पंचायत। आप अभी कहाँ खड़े हैं? स्टेशन के नीचे। कौन स्टेशन के नीचे? टेक्टार। टेक्टार, टेक्टार स्टेशन के पर शौचालय है बना हुआ? शौचालय तो बना हुआ है। काम आता है शौचालय बना हुआ है तो? कारगर नहीं है। कारगर नहीं है, कब से वो खराब है? बहुत दिन से खराब है। स्टेशन छोटी लाइन था तभी से खराब है। तो अभी जो स्टेशन पे मान लीजिए जो यात्री की महिला हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, उस लोगों को तो बहुत दिक्कत होता होगा। उधर बना दिए हैं मतलब पेशाब करने के, पेशाब करने के लिए। मान लीजिए बाथरूम वाथरूम जाना हो तो? बाहरी जंगल से, बाहरी जंगल। तो देश के प्रधानमंत्री कड़ी जंगल में आप गए थे? आप करने का आए थे शौचालय में या खेत में? हम लोग तो घर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर रहते हैं तो यहाँ पर रहते थे, चला जाएगा। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट, दरभंगा से। साहिट पंचायत स्थित दलान पर भव्य हनुमान मंदिर का नवनिर्माण किया गया, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभारंभ में आयोजन समिति ने पदाधिकारियों की अगुवाई में गांव की महिलाओं ने विधि विधान से सुमंगल कलश में जल भरकर कलश यात्रा की, जो साहिट राजा चौक वृंदावन होते हुए गाजे बाजे के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए कष्टहारा घाट वाया नदी के तट पर पहुंचे, जहां देवघड़ से आए हुए पंडित मुकेश पाठक, हेमंत पाठक, तेज पांडे, अवधेश पांडे जी महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरा गया। दिवसीय आयोजन को लेकर यजमान गौतम कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को नगर भ्रमण श्री राम कथा एवं 16 जुलाई को हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा एवं अष्टयाम की जाएगी। प्रशांत कुमार सिंकू ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा सनातन उपासना पद्धति का प्रतीक है, इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ मन सात्विकता से भर जाता है। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश कुमार सिंह पिंटू ने भव्य आयोजन के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी। इस तरह के आयोजन से गांव में एकजुटता आती है। यह आयोजन सभी ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर राम रतन चौरसिया, वरुण कुमार सिंह, राजीव जी, छोटू सिंह, रंजीत चौरसिया आदि दर्जनों लोग मौजूद। R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर से।